हेलो, 3 बज चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 बजे मैं आता हूं एक हर बार एक नए विषय पे वेबिनार को लेके। भारतीय विद्यावन के इस वेबिनार में आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। आज का विषय है फोटोग्राफी, एवरग्रीन पैशन। पैशन कहिए, प्रोफेशन कहिए। आज हमारे साथ रहेंगे भारतीय विद्यावन के पूर्व छात्र शैलेंद्र राणा जी, जो एक फेमस फैशन फोटोग्राफर हैं दुबई में। आज वो हमारे साथ दुबई से लाइव होंगे, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल सहाय भारतीय विद्याभवन से। आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। पैशन को प्रोफेशन बनाने की इस कड़ी में आज आपको बताने जा रहे हैं फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफी हमेशा से ही एक डिमांडिंग करियर ऑप्शन रहा है। लेटेस्ट और डिजिटल कैमरे के आने के बाद फोटोग्राफी पहले से ज्यादा आसान हो गई है। वैसे लोग हॉबी के तौर पे भी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन अगर इसे करियर के रूप में चुना जाए तो एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। आज फोटोग्राफी ना सिर्फ एक ग्लैमर वाला करियर ऑप्शन है, बल्कि इसमें नाम और पैसा भी अच्छा कमाया जा सकता है। पहले फोटोग्राफी करना या करवाना एक बहुत संपन्न जो पैसे वाले लोग होते थे उन तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे डिजिटल युग आगे बढ़ा, कैमरेज के रेट्स कम हुए, उसके बाद हर एक वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने फोटोग्राफी में हाथ आजमाया। फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई, फोटोग्राफी का करियर कैसे होता है, कितना पैसा लगता है, बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे ही विद्यालय के पूर्व छात्र श्री शैलेंद्र राणा जी। हेलो शैलेंद्र, नमस्कार। कैसे हैं आप? शैलेंद्र एकदम बहुत अभी सर। आजकल दुबई में हैं और ये दुबई से ही लाइव हैं। भारतीय विद्याभवन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टडीज के ये फोटोग्राफी के स्टूडेंट रहे थे। आज इनका पूरा सेटअप दुबई में है। हमें बहुत गर्व है इनकी काबिलियत पे और जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं उस पर। जब मैंने शैलेंद्र का प्रोफाइल सर्च किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोफाइल मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शैलेंद्र की प्रोफाइल में लिखा है, आई एम ए ड्रीमर हु लिव्स हिज ड्रीम्स इन अ स्मॉल वे बाय शेयरिंग हिज विजन ऑफ द वर्ल्ड कैप्चर थ्रू हिज विजन ऑफ वर्ल्ड कैप्चर्ड थ्रू माई लेंस। आई एम अ फोटोग्राफर विद अ कीन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इन फैशन एंड एडवर्टाइजिंग अलॉन्ग विथ आर्टिस्टिक नेचर एंड ट्रैवल फोटोग्राफी। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रोफाइल लिखा है, उतने ही शांत स्वभाव के ये व्यक्तित्व रहे हैं, मेहनती रहे हैं, जो एक खास काबिलियत होती है एक फैशन फोटोग्राफर के लिए। शैलेंद्र, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा जो वेबिनार का विषय है, फोटोग्राफी इज एवरग्रीन प्रोफेशन। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि हम सबके जहन में रहता है कि आजकल एक हर किसी के पास मोबाइल है। हम छोटा सा एक शौक के तौर पे भी मोबाइल लेते हैं और अच्छे मोबाइल है,
हम जाके फोटोग्राफी करने लगते हैं, और एक होता है प्रोफेशनल फोटोग्राफी। सो आप हमको बताइए कि नॉर्मल फोटोग्राफी, एक शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करना और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी में क्या अंतर है? बिल्कुल सर, लेकिन सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और भारतीय विद्या भवन का भी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और मुझे एक मुकाम दिया कि आज मैं वापस आके अपना एक्सपीरियंस, अपना अपनी सोच और अपना विजन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आपके सवाल पे आते हुए मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि एक फोटोग्राफर के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट करें, जैसे आपने खुद कहा कि आज के जमाने में एवर सो चेंजिंग मतलब टाइम है, लोग मोबाइल कैमरे जो हैं उसमें ज्यादा अच्छे कैमरे हैं जो आपके पॉइंट एंड शूट में एक टाइम पे हुआ करते थे। बट अगर आप एक इसे ब्रॉडर परस्पेक्टिव में आकर देखें तो सबसे पहले एक तो जो बेसिक उसका फॉर्मेट है कि आप अपनी जो 100% अर्निंग है वो अगर फोटोग्राफी के थ्रू अर्न कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल आप फोटोग्राफर अपने आप को कह सकते हैं। बट अगर आप पार्शली आपका 40% 50% 30% या आप अपने शौकिया तौर पे कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं कह सकते। इसका एक दूसरा फॉर्मेट में आते हैं, अगर मैं इसको प्रोफेशनली लेना चाहता हूं तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक एमेचर में एक एक्सपीरियंस का भी काफी डिफरेंस होता है कि जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जब वो जाएगा फोटोग्राफ खींचने के लिए, वो लोगों से बात करेगा, जिस तरह से वो लाइट को चेक करेगा, जिस तरह से वो लोगों को चेक करेगा, जिस तरह से उसका बैकग्राउंड चेक करेगा, वो एक एमेचर से कहीं डिफरेंट होगा। इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन एमेचर। द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नो अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर वुड बी डूइंग वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन एमेचर और एक शौकिया फोटोग्राफर से होगी। और ये सारी चीजें आप तभी पा सकते हैं कि जब आप एक फोटोग्राफी को एज अ सब्जेक्ट उसे समझें, उसको लर्न करें, उसको प्रैक्टिस करें और उसमें अपने हुनर को और अच्छा बनाएं। और इसी के अंदर जो है आपको एक फोटोग्राफर होने के लिए अच्छे इक्विपमेंट की जानकारी, उसको यूज करने की जानकारी, ये नहीं कि अगर आपके पास पैसा है और आप गए और आप 6 लाख रुपए का कैमरा खरीद कर आ गए और आप उसको ऑटो मोड में शूट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट यहीं पे अगर आपने एक 5,000 रुपए का कैमरा खरीदा है और उससे आप उसकी जो मैक्सिमम क्रिएटिविटी जो आप उससे अचीव कर सकते हैं आप वो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो कहीं ज्यादा अच्छा है और वो आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी और को टू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन उस वे में आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये सर मेरे दिस इज व्हाट बेसिकली आई फील अबाउट यू नो द काइंड ऑफ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर हु आर जस्ट कमिंग आउट एंड कॉलिंग देमसेल्फ फोटोग्राफर जस्ट बिकॉज दे कैन बाय अ कैमरा, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फोटोग्राफर्स व्हिच आर ऑल कमिंग, दे आर ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमराज एंड डिफरेंट फिल्टर। बट एक अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए, जैसे कि मैंने 1 साल यहाँ पे लगाया भारतीय विद्या भवन में उससे सीखने के लिए, हमारे अश्वनी सर, आप लोगों से, भाटकर सर से, मैं कभी कभी जाके पूछता रहता था कि मैं इस चीज को कैसे खींचूं, उस चीज को कैसे खींचूं। इस तरह से जा जाके धीमे धीमे मैंने अपने स्किल को बनाया, अपने को डेवलप किया। जब मैं लोगों के पास जाता था, जिन लोगों के पास मेरे से 5-5, 10-10 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस था, जब मैं उनके पास जाता था, जब मैं उनके साथ फोटो खींचता था और जब उनके साथ बातें करता था, तो वो मेरी बातों से और मेरी अप्रोच से वो समझ जाते थे कि मुझे भी अगर सारी नॉलेज नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट है और मेरी जील है सीखने की। तो इस तरह से मैं यही समझता हूँ कि मतलब ये एक तो मेजर डिफरेंस भी है और यही एक तरीका भी है आगे बढ़ने का। शौकिया तौर ही आप उसको प्रोफेशनली पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि मतलब एक आज के टाइम में जैसे काफी लोग सोचते हैं कि आई एम अ फोटोग्राफर और अपने नाम के पीछे एक फोटोग्राफी लिख करके फेसबुक पे पेज बना देते हैं, तो वो मेरे मानने के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं उसको प्रोफेशनल फोटोग्राफर की कैटेगरी में नहीं रहूंगा, बट हाँ एक अच्छे शौकिया फोटोग्राफर की कैटेगरी में उन्हें माना जा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात शैलेंद्र आपने बताई कि जिस तरीके से किया। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि जब जिस साल आपने शुरुआत सोची थी भारतीय फोटोग्राफी में जाऊंगा, फोटोग्राफी को अपना पैशन पैशन बनाऊंगा, आपको किस तरीके का क्या मन था और आज एक आप एक मुकाम पर एक अच्छे एस्टैब्लिश फैशन फोटोग्राफर हैं, तो क्या रहा, किस तरीके की जर्नी रही 1 साल की आपकी, जिस तरीके से आपने जब एडमिशन लेने से लेके साल की आपकी जिस तरीके से आपने जब एडमिशन लेने से लेके और आज एक सर आपको मेरा क्वेश्चन सुन में आया? हाँ यस प्लीज, आपका क्वेश्चन, हाँ यस प्लीज आपका क्वेश्चन। हाँ जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, यहाँ थोड़ा ऑडियो का इश्यू आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे बार बार। नहीं अब ठीक है ऑडियो, मेरे ख्याल से आपके दो चीजें ऑन हो गई है।
हाँ मेरे ख्याल से सर मुझे लग रहा है कि ऑडियो का इश्यू हो गया थोड़ा सा। मुझे लगता है कि अपना मुझे बैक टू बेसिक में आकर के अपना हेडफोन को ही निकाल के लगाना पड़ेगा। मैं आपका समझा सर, आप एक बार अपना सवाल कृपया फिर से रिपीट कर सकते हैं, देखिए मैं मेरा माफी चाहूंगा मेरा सर। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है, अशलिन मुझे लगता है कि शायद अशलिन आपका मुझे ना सब लगता है कि कंप्यूटर शायद ऑन आपका है, सब जिसकी वजह से कंप्यूटर डबल ऑन है, आवाइज आ जिसकी रही वजह है। से डबल आवाइज आ रही है। आपको एको में 1 मिनट दीजिएगा सर इसको। ठीक। जब तक शैलेंद्र अपना ऑडियो का चीज को करते, तो मैं जो हम आज शैलेंद्र ने जिस तरीके से बात करी थी, कि उन्होंने यही बोला कि जिस अभी भी शायद इको हो अभी रहा भी है, शायद देख इको हो लीजिए। रहा है सर, हेलो अभी तो नहीं हो रहा होगा हेलो, लेकिन। आप ठीक है? तो शैलेंद्र मेरा प्रश्न था यहाँ पे कि जिस तरीके से जब आपने एक अमेच्योर थे, जब आप एक शुरुआती तौर पे एक स्टूडेंट के तौर पे फोटोग्राफी सीखना चाहते थे, आपने शुरुआत करना चाहते थे, वो जो 1 साल की जो जर्नी थी, और आज आप 1 साल पहले जब एक स्टूडेंट थे और आज अब एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, एक अच्छे स्टैब्लिश बिजनेस रन कर रहे हैं फोटोग्राफी का, तो ये जर्नी किस तरीके से रही, कैसे आपने शुरुआत करी, किस तरीके से कॉलेज में आप रहे, जिस तरीके से आपने चीजों को सीखा, और किन किन चीजों पे ज्यादा अहमियत दी आपने, इस पर अगर आप हम लोग को बताना चाहें। हाँ जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा कि एट टाइम्स मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी कितने भी आगे बढ़ जाए तो, लेकिन हमें बैक टू द बेसिक आना ही पड़ता है। हेडफोन मुझे लगाना ही पड़ा आके। सर जैसे ये जो मेरी जर्नी है फोटोग्राफी की, एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहता था, जब मैंने अपना 10+2 करा था और मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि मुझे अपना जो है फोटोग्राफी सीखना है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो तुम क्या करोगे इसमें आगे। और ऑनेस्टली मेरे पास उस समय कोई भी जवाब नहीं था। तो मैंने नॉर्मल, जैसे उस समय के जो लड़के करते थे, मैंने एक आईटी सर्विसेज का, BIT और बाकी के सर्विसेज करी और उनके थ्रू नॉर्मल जॉब करा। पर जब मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जहां पे मैं एक डिसीजन ले सकता था कि ये काम मैं अपने पैसे के लिए करना चाहता हूँ या अपने पैशन के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने पैशन को चूज करा। और उसके बाद मैंने काफी रिसर्च करी कि किस तरह की इंस्टीट्यूट में जाऊं, किस तरह से सीखूं, क्या खुद सीखने की कोशिश करूं या कहीं पे जाके सीखूं। उन सारे जगहों पे मेरा मेरा निष्कर्ष निकला कि भारतीय विद्या भवन जो था वो एक परफेक्ट था। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो मेरे लिए आसान था वहां पे पहुंचना, क्योंकि उसका एडमिशन प्रोसेस भी काफी डिफरेंट था। और जगहों पे तो ऐसा था कि अगर मैं जाता और मैं कैश देता तो मेरा एडमिशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट भी था, इवेलुएट भी किया गया मुझे, मुझसे एक इंटरव्यू भी हुआ छोटा सा, जिसमें मुझसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं। बहरहाल मैं वहाँ पे ज्वाइन करा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ज्वाइन करने की। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोज वो वन ऑफ माई बेस्ट ईयर्स बेसिकली। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, इवन द कैमरा एंड एवरीथिंग, टू लर्न कैमरा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक फोन है जिसको मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ और 6ठे साल मुझे पता लगता है कि इस फोन को तो इस तरह से यूज ही नहीं करा जाता, इसको डिफरेंट ढंग से अब मैं यूज कर सकता हूँ, तो एक तरह की रेवलेशन थी, एक इपिफनी मोमेंट थी मेरे लिए वहां पे। उसके बाद जिस तरह का मुझे सपोर्ट मिला, ना सिर्फ वहां के स्टाफ से बट ऑल्सो मेरे जो कुलीग थे, क्योंकि वो लोग भी खुद वो लोग थे जो फोटोग्राफी के बारे में पैशनेट थे। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट मनी फॉर देम, बट इट वॉज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग समथिंग विच इज एवर लास्टिंग, विच विल बी फॉर एवर इवन वेन दे आर गॉन, वे आर दे आउट ऑफ द स्कूल। तो धीमे धीमे मैंने इसको सीखना शुरू करा, वहां पे आ गया, लोगों से मिला और मुझे पता लगा कि कैमरे को कैसे यूज करते हैं, लोगों को कैसे पोज करने के लिए कहते हैं, लाइट को कैसे समझते हैं, फ्रेमिंग कैसे होती है, क्या चीजें होती हैं, कई तरह के लॉग, कई तरह के उसके तरीके फोटोग्राफी करने के। उसके करने के बाद, सीखने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक जगह पे इंटर्नशिप करने की फोटोग्राफी में। एक छोटा सा नया सेटअप था सर वहाँ पे, शायद मुझे 8 या 10 हज़ार रुपये मिलते थे वहाँ पे काम करने के, और 12-12, 14-14 घंटे काम होता था। और वहाँ पे जो है मल्टी कैमरा सेटअप भी और सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, और फ्रेम भी खुद ही बनाना पड़ता था, इंटरव्यू जब लेने जाते थे तो वहाँ क्वेश्चन भी खुद ही पूछना पड़ता था। और मेरे लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था क्योंकि मैं इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था और मैंने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं था,
लेकिन जो मुझे वहां पर ट्रेनिंग मिली थी अपने इंस्टीट्यूट में, और जो मुझे बताया गया था कि लोगों से कैसे डील करते हैं, उन्हें कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि सामने कैमरे के आके, मतलब मैं खुद इतने सालों से खुद फोटोग्राफी कर रहा हूँ, लोगों को शूट करता हूँ, लेकिन मैं भी जब खुद कैमरे के आगे आता हूँ तो मैं खुद नर्वस फील करने लग जाता हूँ। तो इन सारी चीजों से मुझे काफी हेल्प मिली। दूसरी चीज ये हुई कि उस जगह पे, इंस्टीट्यूट पे मैंने काम करना जहाँ शुरू किया था छोटे से, उसमें एक छोटे सेटअप में, करते करते धीमे धीमे मुझे वहां से, जब काम करने के बाद 8 महीने के करीब मैंने वहां पे काम किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक छोटे ई कॉमर्स सेटअप के लिए, वो भी एक स्टार्टअप ही था वहां पे काम करने के। इसमें मेरे लिए फायदा ये हुआ कि जितनी भी जगह थी वो स्टार्टअप थी, और देवर ओपन टू एक्सपेरिमेंट एंड देवर ओपन टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, एंड दिस इज आई थिंक इट्स द मेजर ब्रेक थ्रू ऑफ माई करियर ऑल टूगेदर, वेर दे अलाउड मी टू एक्चुअली गो आउट एंड डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, हाउ आई वॉन्ट टू डू एंड वेन आई वॉन्टेड टू डू इट, एंड दैट एक्चुअली गेव मी नॉट जस्ट अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, बट इट ऑल्सो गेव मी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अगर जा रहा हूँ और अगर मैं शूट कर रहा हूँ लोगों के साथ खड़े होकर, तो इस शूट को कई लोग देखेंगे, ये मेरे ब्रांड के रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं उसको किस तरीके से सामने रखना चाहता हूँ। खैर, करते हुए लोगों ने मुझे मेंटर भी किया, मैं कई फोटो वॉक्स में भी जाता रहा, जब मुझे जरूरत पड़ती थी मैं अपने इंस्टीट्यूट में भारतीय विद्या भवन में अश्विनी सर को कॉल करके उन्हें परेशान करता रहता था कि सर ये शूट में फंस गया हूँ, ये कैसे करूँ, ये कैमरा मुझे मिल गया, इसमें ये सेटिंग है, मैं किस तरह से करूँ, तो मुझे फोन पे वो गाइड करते थे। आप मानेंगे नहीं कि शूट एक जगह, एक बार तो ये बड़ी मजेदार और एक एक एम्बेरसिंग किस्सा भी है कि मैं एक शूट करने गया सर वहां पे, और इंटरव्यू शुरू हुए 5 मिनट हो गए, और उस समय मैं वीडियो भी कर रहा था फोटोग्राफी भी कर रहा था सेम टाइम। जब वो 5 मिनट हो गए सर, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने रिकॉर्ड का बटन तो दबाया ही नहीं। तो वो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में भी नहीं भूलूंगा। फिर मैंने चुपचाप सर को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मैं कैसे करूं। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और इस तरह से करो। इस तरह से मेरी जर्नी हुई, मेरा बेस बना, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, मैंने कैमरे को प्रैक्टिकली समझा, मैंने लाइटिंग को प्रैक्टिकली समझा, तो मैं धीमे धीमे, मुझे टाइम लगा समझने के, अडॉप्ट करने में, इक्विपमेंट नए पिकअप करने में, लोगों से नए तरीके से नए फॉर्मेट्स में जाके बातें करने में, उन्हें समझाने में मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं था अगर मैं सिर्फ उठ के ऐसे जाके करने की कोशिश करता, अगर मेरे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी। तो आई ट्रस्टेड माई ट्रेनिंग, आई ट्रस्टेड माई नॉलेज, आई अप्रोच पीपल अकॉर्डिंगली, आई शोड देम व्हाट आई कैन डू, एंड सिर्फ इसमें ये था कि उस नॉलेज की वजह से सिर्फ वो बातें बातें नहीं रही, मैं आगे गया, मैंने लोगों को प्रूव करके भी दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उन लोगों ने उसको पसंद भी करा। इसके बाद एक पायदान से दूसरे पायदान, दूसरे पायदान से तीसरे पायदान, मुझे अलग अलग इवेंट्स, शोज, काफी मूवी स्टार्स वगैरह का भी शूट वगैरह करने को मिला, काफी बड़े बड़े लोगों से मिलने का वो करा, मौका मिला उनके साथ बैठ के खाना खाने का, उनके साथ बैठ के उनके शोज पे जाके उनके वैनिटी वैन में बैठने का मौका मिला, जो कई मेरे फ्रेंड्स के लिए, मतलब, और नॉट जस्ट मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे खुद के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी कि मतलब इन इंसान को लाखों लोग देखने आ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, जब मैं चाहता था वहां पर शूट करने के लिए, कई बार तो मुझे खुद घबराहट होने लग जाती थी कि जब मैं देखता था इतने ढेर सारे लोग हैं, एक होता है एक फियर ऑफ क्राउड टाइप का, वो मेरे में आ जाता था, लेकिन मैं देखता था कि ये लोग कितने सहजता से जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने फन को, अपनी कलाकारी को लोगों के आगे रख रहे हैं। थोड़ी बहुत चीजें मैंने उन लोगों से भी समझा कि किस तरीके से करते हैं। फिर मैंने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना शुरू करा। उसके बाद जब मेरा काम कई लोगों ने देखा तो मुझे ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर मैं के पास काम अपने आप ऑटोमेटिकली आने लग गया। दिल्ली में मैंने एक होम स्टूडियो से स्टार्ट किया। मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि आप जाएं और लाखों करोड़ों रुपए को फेक करके एक बहुत महंगा सा और एक बहुत बड़ा सा स्टूडियो जाके खरीद लें और बहुत महंगे इक्विपमेंट जाके उन पे इन्वेस्ट करें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता। मैं खुद एक बेसिक निकॉन के कैमरे से स्टार्ट करता था, जिसमें अभी भी यूज करता हूँ, और क्योंकि वो अच्छा कैमरा है और मैं उससे अच्छी फोटो खींच सकता हूँ। मैं बेसिक कैमरे से स्टार्ट करा मैंने, और एक मिनट दीजिएगा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है इसमें शायद, हाँ माफ करिएगा क्योंकि एक स्टूडियो फॉर्मेट, ये हो सकता है कि ये इंडिया टू इंडिया नहीं है, दुबई और इंडिया के बीच की लाइन है, हो सकता है कि कभी व्यवधान आ सकता है, उसमें कोई बात नहीं। चलिए आप अपनी बात कहते रहिए। तो मेरे को लोगों के अपने आप ही लोग अप्रोच करने लगे, वो बुलाने लग गए मुझको इवेंट्स करने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में हर फोटोग्राफर और हर एक आर्टिस्ट के साथ होता है कि आप एक्सपोजर के लिए काम कर लीजिए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग अगर मुझे देख रहे हैं और वो कहते हैं कि लोग आते हैं और ज्यादातर कहते हैं कि एक्सपोजर के लिए काम करना पड़ता है, तो मैं भी कोई अलग नहीं हूँ।
ज्यादातर जब मैं जाता था लोगों के लिए तो लोग मुझे कहते थे आप पैसे लेके क्या करेंगे, आप इतने बड़े इंसान को शूट कर रहे हैं, आप उस आपके एक प्रोफाइल के लिए काफी है। तो कई बार ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है अपना प्रोफाइल बनाने के लिए लोगों के बीच में, आपको यू नो यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ, इट्स नॉट जस्ट योर स्किल दैट यू आर पुटिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, यू आर ऑल्सो पुटिंग आउट, आई एम सो सॉरी, यू आर ऑल्सो पुटिंग आउट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ऑलराइट। यू हैव टू पुट आउट योर एटीट्यूड, यू हैव टू पुट आउट हाउ विलिंग यू आर टू लर्न न्यू, टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, एंड हाउ विलिंग यू आर टू कनेक्ट विद पीपल बेस्ड ऑन वट दे रिक्वायर आउट ऑफ द सर्विसेज विच यू आर प्रोवाइडिंग। अगर मैं उनको जाके बताने लगूं नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा आप ये करिए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा मैं इस तरह से करना चाहूंगा, तो वो नहीं चाहेंगे ऐसा करने के लिए। आपका सिर्फ स्किल ही नहीं, वो आपके एटीट्यूड को खरीदते हैं। तो आप वहां गया, मैं लोगों से मिला, उन्होंने बताया, धीमे धीमे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे मैं बता ही रहा था होम स्टूडियो से मैंने स्टार्ट करा छोटे से, उसमें अपने घर में वहां रहता था उस ब्रांचलेट में मैं, तो एक कमरे में मैं रहता था और एक कमरे को जो बड़ा कमरा था हॉल उसको मैंने स्टूडियो में बनाया। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे फोटोग्राफ को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन इमेजेस पे काफी ना जस्ट मुझे मतलब काम मिला उन इमेजेस को दिखाने पे, मुझे कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले, लोगों ने रिकग्नाइज किया, रिकमेंड किया उन इमेजेस को देख करके जो एक छोटे से कमरे में खींची गई। तो अगर आप अपनी लाइटिंग को समझते हैं, आप अपने इक्विपमेंट को समझते हैं, तो आप ये सारी चीजें एक छोटे से कम बजट में अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद धीमे धीमे शैलेंद्र, करते आपने हुए बहुत धीमे बहुत 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 सही, बहुत सही बात आपने यहाँ पे जोड़ी। जितनी बात मेरे को समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं कि आपको बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट की जरूरत है, बिल्कुल बहुत सर, महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आपके पास पैशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप एक छोटे से दायरे से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमें इसी बात को मैं शैलेंद्र आगे बढ़ाते हुए एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक फोटोग्राफर की लाइफ क्या होती है, किस तरीके। जैसे मुझे भी बड़ा शौक है फोटो खींचने का, बट मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं। मुझे अपने शौक के लिए अच्छा है कि भाई मेरे को जो फोटो गए मैं खींच लूं। लेकिन एक फोटोग्राफर की लाइफ क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, उसे घूमना पड़ता है सबसे ज्यादा चीज। तो आपकी नजर में एक फोटोग्राफर की एक लाइफ कैसी होती है? कितनी अच्छी होती है? कितना ट्रेवल वाली होती है? किस कितनी खूबसूरत होती है या कैसी होती है? इस पर आप अपनी बात रखें। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रैवल फोटोग्राफर और या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑल टुगेदर, उसकी लाइफ हमेशा ही एक्साइटिंग होती है। क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्ट करा था सर, मैं एक नेचर फोटोग्राफर, एक ट्रैवल फोटोग्राफर ही बनना चाहता था, क्योंकि मैं लोगों को देखता था कि वो घूम रहे हैं और उन्हें फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है, जा रहे हैं अच्छी अच्छी जगहों पर, रह रहे हैं अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को देख रहे हैं, तो ये सब देख के लगता था। तो मैं कहना चाहूंगा कि काफी एक्साइटिंग होती है, और फॉर सम स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी इट्स लाइक अ ड्रीम लाइक सिचुएशन, यू नो आई एम लिविंग इन माई ड्रीम, बिकॉज द पास्ट लाइफ, यू नो विच आई कैन कॉल इट अ पास्ट लाइफ, बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन इफ आई कंपेयर दैट पर्सन टू मी हु आई एम राइट नाउ। तो एक आपका जो है पूरा जिंदगी का देखने का तौर तरीका और जिंदगी देखने का नजरिया जो है, जिंदगी जीने का तौर तरीका, माफी कर चाहूंगा, और जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता है आपका ऑल टुगेदर। लेकिन इसी बात पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी पर्क्स हैं, शायद मैंने कुछ ही नाम लिए हैं और इसमें ढेर सारे पर्क्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब भी है। जैसे अगर आप किसी आप किसी असाइनमेंट पे जा रहे हैं, किसी जगह पे किसी को शूट करने के लिए, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट यू नो यू हैव एवरीथिंग विच एवर वट एवर यू रिक्वायर टू शूट दैट पर्सन और टू फोटोग्राफ दैट लोकेशन वट एवर दैट इज। And not just that, even if the equipment which you are carrying with you, it doesn't work, you have extra equipment, you know, backup equipment to take care of that. And even that thing fails, then you always have to have a plan B that, you know, if not this, then how am I gonna, like, you know, capture that thing or how I'm gonna cover that thing. तो ये बहुत एक डिमांडिंग वो भी है, आपका एक प्रोफेशन भी है जिसमें आपसे काफी डिमांड करता है कि मतलब आप ना सिर्फ उस चीज को, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें आप तीन तरीके दिखा सकते हैं। आप जाइए, आप जो चीज जैसी आप उसको वैसा खींचें और लोगों को लाएं और दिखा दें, जैसे काफी न्यूज वगैरह में जो होता है, विच इज वॉट इज यू नो कि आप उसकी असलियत जो है उसको लाके दिखाएं। दूसरा फॉर्मेट होता है कि आप उसको ब्यूटिफाई कर दें, कि आप कहीं पे देखा, आपने घर देखा, लोकेशन देखा, आपको किसी रिजॉर्ट को शूट करने के लिए बुलाया गया, आपको किसी लग्जरी कार को शूट करने के लिए बुलाया गया है, या आपको एक पेन को शूट करने के लिए बुलाया, आपने उसको देखा और आपने उसको ब्यूटिफाई कर दिया अपनी लाइटिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपने इक्विपमेंट, वट एवर यू हैव विद इन योर डिस्पोजल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपने उसको ब्यूटिफाई करा। तीसरा फॉर्मेट जो होता है वो आपने उसको स्टोरी बेस्ड बनाया, कि आपने जो भी सब्जेक्ट उठाया आपने उसकी स्टोरी बनाई,
तो इट इज नॉट अ केक वॉक फॉर श्योर, बट द जॉब ऑफ अ फोटोग्राफर आई थिंक इट्स अ रियली नाइस प्रोफेशन. इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इनटू इट, यू गेट टू मीट सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यू गेट टू मीट सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज. दे टीच यू सो मच इन लाइफ. लाइक आई फील दैट वट एवर आई हैव लर्न्ड ओवर इन पास्ट सिक्स ईयर्स, लाइक आफ्टर सिक्स और सेवन ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग माई फोटोग्राफी कोर्स फ्रॉम भारतीय विद्या भवन, I don't think I have had that kind of an experience before, you know, the previous part of my life. तो एक छोटे समय में ही आपको ज्यादा experience मिलता है, छोटे समय में आपको लोगों से interaction करने का मौका ज्यादा मिलता है. और जैसे जैसे मैं बार बार इस बात को repeat कर रहा हूँ कि demanding job है, क्योंकि जब आप खुद एक photographer हैं, आप खुद एक media field में हैं, आप art की field में हैं, तो आपको पता है कि एक अपने कला को सिर्फ represent नहीं, उसको अच्छी तरह से present करने का एक जो एक pressure होता है आपके ऊपर, वो हमेशा ही रहता है. So yeah, like all in all, sir, it's a very good profession. And get to see a lot of different places. You get to travel the world. Everything is there. So मेरे को लगता है कि अगर किसी को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और नेचर के साथ रहने का बहुत अच्छा शौक है, तो उसे फोटोग्राफर बनना चाहिए. ठीक है, इसी कड़ी में मैं शैलेंद्र, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या क्वालिटीज एक व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है कि जिससे वो एक अच्छा फोटोग्राफर बने. इसके अंदर अगर आप बताए, जैसे कि आपने बताया भी कि एक होता है क्रिएटिविटी एंड सेकेंड इज द टेक्निकल मीन्स में क्या इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी क्या सोर्स अवेलेबल है उसके साथ कितनी अच्छी क्रिएटिविटी के, तो क्या क्वालिटीज एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए होनी चाहिए, इस पर आप बात करें. हाँ बिल्कुल सर, ये तो एक काफी अच्छा एक आपने क्वेश्चन पूछा. मैं यहाँ पे ओपनली आपको मतलब ये चीज कह सकता हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज दो अलग अलग स्ट्रीम है. जस्ट बिकॉज आप किसी चीज के लिए टेक्निकली बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, इट डज नॉट मेक यू क्रिएटिवली वेरी सक्सेसफुल. और अगर आप काफी सक्सेसफुल हैं क्रिएटिवली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेक्निकल भी नॉलेज आएगी. एक इस पर छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जो मैंने भारतीय विद्या भवन में ही हमारे एक सर से सुना था कि जब वो एक जगह कहीं शादी पे गए थे और वो भी अपना फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे थे तब उस जमाने में, तो उन्होंने वहाँ के जो फोटोग्राफर हैं उनसे जाके पूछा कि भाई मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ तो आप क्या सेटिंग यूज करते हैं. और ये हर किसी के साथ होता है, मेरे खुद के साथ भी होता है. जब मैं गया था और मैं किसी के हाथ में कैमरा देखता था तो मैं रैंडमली बात करने चले जाता, तो उस इंसान ने उन्हें बोला कि मैं 56-60 यूज करता. तो अगर आप ये फोटोग्राफी टर्म में देखें तो 56-60 कुछ भी नहीं होता, मतलब कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस ऑल्टुगेदर. और यहाँ पे ही वो बात आती है सर, क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज के ऊपर. वो जो इंसान जो वहां पे शूट करने के लिए आया हुआ था, वो अपर्चर 5.6 और शटर स्पीड जो है 60 की बात कर रहा था, उसको ये तक नहीं पता था कि वो जो कैमरा यूज कर रहा है, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, कि वो क्या है. लेकिन वो फोटोग्राफ्स खींच रहा था और वो अच्छी फोटोग्राफ्स खींच रहा था, वो अच्छी, उसको पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है. वो कह रहा है 56-60, मतलब कि जिसने जिन्होंने हमारे सर ने सुना था उनको ये चीज प्रोसेस करने में भी एक दिन लग गया कि ये 56-60 होता क्या है. तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास नॉलेज है और विलिंगनेस टू लर्न, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इफ यू फील दैट यू नो यू हैव लर्नड एवरीथिंग, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन दैट इज द पॉइंट दैट यू नो यू आर एट द एंड ऑफ योर जर्नी इन द सेंस ऑफ योर क्रिएटिव जर्नी. क्योंकि उसके बाद आपके पास सीखने के लिए कुछ रहेगा नहीं, उसके बाद आपके लोगों के लिए आपके पास सिर्फ सवाल रहेंगे. अगर आपको आप पास आके अगर कोई बोलेगा भी कि मैं क्रिएटिवली ये चीज करना चाहता हूँ, तो आप उसको इनकरेज करने के बजाय आप उसको सिर्फ उस चीज की ये बताते रहेंगे कि ये टेक्निकली पॉसिबल क्यों नहीं. लेकिन अगर आप सिर्फ एक क्रिएटिविटी और विलिंगनेस टू लर्न, एवर सो लर्न, कि हर दिन एक नई लर्निंग है, अगर आप इस अप्रोच के साथ हर रोज बाहर निकलेंगे. हर रोज आज भी मैं बाहर जाता हूँ सर, तो कई लोग होते हैं सेल्फी खींचते रहते हैं और मुझे ऑनेस्टली अभी तक सेल्फी खींचने नहीं आया. लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसमें मैं कह सकता हूँ कि एक्सपर्ट हैं एकदम, आई एम श्योर वो लोग देख रहे होंगे, तो वो लोग उसमें एकदम एक्सपर्ट हैं. तो मैं उनसे आके पूछता रहता हूँ कि यार किस तरीके से तुम लोग सेल्फी लेते हो, और वो एंड ऑनेस्टली दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिकिंग अ गुड सेल्फी देन आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिकिंग अ मल्टी लाइट सेट ऑफ पोर्ट्रेट. सो इट इज एज आई सेड दैट यू नो कि अगर ये जो है बहुत ही डिफरेंट, मतलब एक रेल की पटरी की तरह है जो एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है,
क्रॉस भी करती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से जो है कभी मिलती हैं, और कभी जो है मतलब यूजली अलग ही रहती हैं। सॉरी ये कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, बट लेकिन यूजली अलग ही रहती है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आप उसको चाहिए, उसको एक्सप्लोर करिए। यू डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स ऑल द टाइम, बट यू हैव टू मास्टर द रूल्स बिफोर यू ब्रेक। यू हैव टू लर्न द बेसिक ऑफ एवरीथिंग सो दैट व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू ब्रेक द रूल्स, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। एंड दिस इज ऑल्सो, हम मैं उसी बात पे वापस आना चाहता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल और एमेचर का। अगर आप किसी प्रोफेशनल से जाके बोलेंगे कि आपने जो है ये 2 साल पहले ये फोटोग्राफ खींची थी, काफी अच्छी थी, वो आपको उस फोटोग्राफ को दोबारा रिक्रिएट करके दिखा सकता है। और जो एमेचर होगा वो उस चीज को रिक्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी और चांस जो है वो एक ही बराबर हो जाता है। तो ये एक अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे लगा बताने के लिए। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं और अगर आप विलिंगनेस टू लर्न है आपकी, आप जाइए, आप सीखिए, और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्लोर करिए। प्लीज डू नॉट थिंक कि इस ये जो है रूल ऑफ थर्ड फॉलो नहीं हो रहा, और उसमें जो है कोई और लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए, आप जाइए, आप फोटोग्राफ खींचिए, उसको एक्सप्लोर करिए, और अगर वो फोटोग्राफ अच्छी नहीं आती है तो उसको देखिए, आपको उसको समझिए कि आपको उसमें क्या पसंद नहीं है। आपको खुद को ये मत सोचिए कि किसी और को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफी मैंने देखा कि मैं लोगों से मिलता हूँ, कई नए स्टूडेंट वगैरह भी कई लोग मिलते हैं, आते हैं एमेचर, और काफी लोग जो दे वांट टू लर्न एंड दे आर लाइक गुड पीपल हु वांट टू लर्न, बट मैंने ये नोटिस करा कि उनको अपनी ओपिनियन से ज्यादा इस चीज की ज्यादा वैल्यू थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ या और कोई क्या सोच रहा है उनकी फोटोग्राफ देख करके। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आप आगे जाके एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं और खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं आपको उससे प्यार होना चाहिए। अगर मैं एक फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं इस कप की भी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, तो मुझे उस फोटोग्राफ में प्यार है, मतलब मुझे अच्छी लगती है फोटोग्राफ, तभी मैंने उसकी फोटोग्राफ खींची और उस तरीके से खींची, वरना मैं किसी और तरीके से जाके खींच सकता। अगर कोई और आके वो मुझे कहता है कि उसको और अच्छी तरीके से वो खींच सकता है या वो अच्छी नहीं खींची, हो सकता है बिल्कुल सही हो सकता है, हो सकता है वो उससे और लाभ होना अच्छी या वो फोटोग्राफ अच्छी ना आई हो, बट मेरा काम मुझे सबसे पहले पसंद आना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ लव, सो यू हैव टू लव योर ओन क्रिएशंस, यू हैव टू लव योर ओन इक्विपमेंट, यू हैव टू लव द पीपल यू आर शूटिंग, यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट विद दोज पीपल, इवन इनएनिमेट थिंग्स, जस्ट बिकॉज दे आर इनएनिमेट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो इमोशन, यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट विद देम, ओनली देन यू वुड बी एबल टू पुट देम इन द राइट लाइट एंड यू नो ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम। बिल्कुल सही आपने कहा कि दैट्स व्हाई द फोटोग्राफी इज कॉल्ड द एवरग्रीन प्रोफेशन, जो आज हमारे वेबिनार का सब्जेक्ट भी है। कि तो मेरा एक इसी चीज में और जोड़ देते कि जिस तरीके से एवरग्रीन प्रोफेशन है, जिस तरीके से इसमें हार्डवर्क की जरूरत है, जिस तरीके से इसमें ऑनेस्टी की जरूरत है, जिस तरीके से इसमें टाइम पंचुअलिटी की जरूरत है, इसमें ट्रस्टवर्दी होने की जरूरत है, तो क्या हमको 24/7 काम करने की भी एक आदत होनी चाहिए अगर आप फोटोग्राफी के प्रोफेशन में हैं? बिकॉज अगर आप 10 से 6 की नौकरी में सोचना चाहते हैं कि मैं 10 से 6 में ही नौकरी करूंगा, तो एक पैशन, ये कोई नौकरी नहीं है, ये पैशन है। तो क्या इसके लिए 24/7 वर्क करने की आदत होनी चाहिए शैलेंद्र? बिल्कुल सर, मैं इसके लिए अपने इंडस्ट्री वालों का एक लॉ है जो अनसेट लॉ है कि आप घड़ी देख के काम नहीं करते जब आप आते हैं सेट। सबसे बेसिक ये है कि अगर आपका 5 बजे का शूट है तो आपको वहाँ 4 बजे पहुंचना होगा प्रेप करने के लिए, कि आपका जब क्लाइंट आए, आपका मॉडल आए, आपका जो भी जिस चीज को भी आप शूट कर रहे हैं, वो लोग जब तक आए उसके 1 घंटे पहले आपके प्रेप होके आपका सेटअप जो है रेडी होना चाहिए, आपका टेस्ट शॉट लिया जाना चाहिए, आपका कलर बैलेंस सब कुछ वहां पे पहले ही हो जाना चाहिए। तो इसमें आप टाइम नहीं देख सकते। अगर आप जाएंगे, अगर आप जैसे आप एक अच्छा मान लीजिए कोई भी शूट करने के लिए जाएं, और अगर आप वहां जाके लेट्स से कि आप एक अच्छी मूवी बना रहे फॉर एन एग्जांपल, तो और आप आपके पास बहुत बड़े आप कोई बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर से काम कर रहे हैं, तो आप उनकी उनकी इमोशंस या उनकी क्रिएटिविटी आने की आप उसका वो नहीं कह सकती कि यार आपको ये इमोशन जो है अगले 5 मिनट में देना है, क्योंकि मेरा जो रोल टाइम है वो सिर्फ अगले आधे घंटे तक ही, और उससे पहले मुझे रैप। तो उस पर कोई टाइमिंग नहीं रख सकते। जैसे मैंने कहा पहले भी, अगर आप काम करने जा रहे हैं तो प्लीज समझ लीजिए कि देर आर नो फिक्स आवर्स, ओके, एंड यू आर ऑन जॉब ऑल द टाइम, एंड दैट इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन लर्न मोर देन व्हाट यू नो राइट नाउ। इवन राइट नाउ व्हेन आई एम, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने दोस्तों से जाके मिलता हूँ, तो मैं उनको देखता रहता हूँ कि भाई अगर जैसे उनकी जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूँ बैठे हुए, तो मैं देखता हूँ कि उनकी
फेस पे लाइट जो है कौन से एंगल से गिर रही है, क्या उनके उसमें रिम बन रहा है, क्या कट लाइट आ रही है कहीं से, ये सारी चीजें करते करते ये एक तरीका है, ये आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी के, आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं समुद्र के किनारे पे हैं और वहां पे अचानक से पानी का जो एक स्प्लैश है वो उछल के आता है, तो आपकी आंखों को आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आंखें बंद करनी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मसल मेमोरी कहते हैं हम उसको। वही चीज आपको खुद को, ब्रेन को भी ट्रेन करना है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको हर चीज को दिखते रहना चाहिए। आप जाते हुए कहीं से जा रहे हैं, आपने देखा गाड़ी में से कि सामने जो है एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है और इस लोकेशन को मैं इस टाइप के लिए शूट कर सकता हूँ, तो आपको इस तरह से अपने आप को इवॉल्व करता रहना चाहिए और आपको हमेशा कॉन्स्टेंट लर्निंग है। और प्लीज मैं काफी लोगों से जाके मिलता हूँ और जो आके मुझे कहते हैं कि जो आप जो है मुझे बस इतनी देर में करके बता दो, मेरे पास एक घंटा ये और ये, तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर देखिए अगर आपके पास एक घंटा है तो आप जो चाहते हैं वो तो मैं आपको करके दे सकता हूँ, लेकिन जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, और अगर उसको आप चाहते हैं कि जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए करूँ, तो आपको मेरे हिसाब से आप टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप आर्ट पे टाइम नहीं रख सकते। अगर आप सोचिए कि अगर आप मोनालिसा पेंट करें, लियोनार्डो दा विंची हैं आप, तो आप उस पर टाइम ही नहीं दे सकते हैं, या मतलब किसी भी जगह पे। मतलब मैं इस चीज को स्ट्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल के जितने भी लोग आ रहे हैं, इन द टाइम ऑफ इंस्टेंट नूडल एंड 30 मिनट पिज्जा, everybody wants a shortcut, but that's not how the life works. Okay, you can develop your own shortcuts once you understand, you know, how the things work. As I said, that you know, you can break the rules all the time, you don't have to follow the rules, but you have to learn the rule, you have to master the rules. You don't have to go out and show it to anybody else, just keep it with yourself, but just master everything before you go out and create all these kind of shortcuts. प्लीज अगर आप समझे कि अगर आपको 6 बजे 7 बजे आना पड़ रहा है कहीं पे शूट में सर्दियों के दिन में, तो आपको आना पड़ रहा है क्योंकि वो आपके लोकेशन की, आपकी शूट की, आपकी थीम की, आपके कॉन्सेप्ट की डिमांड है, और वो डिमांड का पार्ट बनना आपने खुद अपनी चॉइस से अग्री करा है। ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज फोर्स्ड अपॉन टू यू, ये कोई आप बहुत अच्छी बात शैलेंद्र आपने कही कि किस तरीके से आपको तैयार करना है अपने आप के लिए और क्या क्या क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। शैलेंद्र, मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वो शैलेंद्र से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी आंसर चाहते हैं, तो वो अपना जो क्वेश्चन है वो हमें भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमारे फोन नंबर पर भेज सकते हैं या फेसबुक लाइव पे भी क्वेश्चन को डाल सकते हैं, अगर जो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे उनको हम जरूर चुनते हैं। तो शैलेंद्र, मैं बात को और आगे बढ़ाऊं, क्या 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 फोटोग्राफी सीखने के लिए, क्या की ट्रेनिंग के लिए 1 साल का कोर्स सफिशिएंट होता है, और किस तरीके से हम शुरुआत करते हैं, और कौन कौन सा ट्रेड में हम जा सकते हैं, जैसे वेडिंग है हमारे पास, इवेंट्स है, पोर्टफोलियोज है, फैशन है, तो इसके बाद हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से ट्रेड में जाना है? बिल्कुल सर, ये काफ़ी वाजिब क्वेश्चन है। देखिए अगर आप जब फोटोग्राफी को समझेंगे तो एक पॉइंट के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ 3 चीज़ों का खेल है, और जब आप वो 3 चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको फोटोग्राफी समझ जाएगा, विच इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल अ कॉम्पनसेशन ट्रायंगल। जब आप इस कॉम्पनसेशन ट्रायंगल को पता लग जाएगा कि आपका अपर्चर क्या होता है, आपका शटर क्या होता है, और आपकी ISO क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे कि फोटोग्राफ कैसे लेनी है। बट यहाँ पे जो है आपकी जर्नी खत्म नहीं हो जाती। मैं आपको एक एग्जांपल देके कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में मैं देखता हूँ कि हर बंदा जो है फिटनेस के लिए लगा हुआ है, वो जिम जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ये चीज हर चीज को पता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गए और आपने 6 महीने जिम करा या आपने साल भर जिम करा और उसके बाद मैं सारी जिंदगी कुछ नहीं करूंगा। ये एक जो है ये इट्स नॉट अ फाइनाइट गेम, इट्स एन इनफाइनाइट गेम। ये कोई आपका 2020 का मैच नहीं है कि आपने 2020 का मैच खेला या आपने 50 ओवर का मैच खेला या आपने वनडे या टेस्ट मैच ऐसे कुछ खेला और वो खत्म हो गया। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके लिए आपको हमेशा के लिए कमिटमेंट रहना पड़ेगा। जैसे 1 साल के कोर्स की बात हुई है, अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली स्टार्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आई थिंक दैट्स एन इनफ टाइम एंड दैट इज एन एम्पल टाइम वेर इन यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोग्राफी, प्रैक्टिस इट, लर्न इट, एंड यू नो आस्क योर सुपीरियर्स, यू कैन आस्क योर टीचर्स एंड एवरीबडी, एंड यू कैन आस्क योर मेंटर्स to come out and tell you, you know, where you are lacking and how you can improve. You know, as I said, I'm sorry, I didn't say it before, but I should say, people do not have shortcomings. They just have opportunity areas. So if you work on your opportunities, you know, like if you're lacking on something, do not take it as, you know, if somebody gives you some kind of a feedback, you know, good or bad. Okay, you have to take it, you know, with a pinch of salt and you have to work on it. आप उसको ना सोचे कि भाई मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, या फिर अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इतने टाइम से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं आता।
आप समझिए कि यही लोग जो है आपके आगे जाके कस्टमर बनते हैं। आज हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हैं जिसको 1000 साल से पहले किसी ने नहीं देखा। आप ये समझिए जो इस वी आर गोना एंटर अ पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड विच नोबडी एक्सपेक्टेड टू सी इट इन देयर लाइफ टाइम, नोबडी इवन ड्रीम्ड ऑफ यू नो हैविंग दिस टाइम काइंड ऑफ लाइफ टाइम। आज के टाइम में लोग जो है मॉल नहीं जाना चाहते हैं, लोग जो है बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आप लेकिन अगर आपके पास ट्रेंड है, आप बिजनेस को फॉलो करते हैं, तो आप ई कॉमर्स कंपनीज का राइज देखिए, ठीक है, गोफर्स और बाकी जो और कंपनियां जो घरों में खाना पहुंचाती हैं उनका राइज देखिए। दे रिक्वायर पीपल लाइक यू, दे रिक्वायर पीपल लाइक यू नो हु आर गुड पीपल हु अंडरस्टैंड यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट विद देयर सेलिंग इन द राइट लाइट। अगर चाहे आप फैशन करना चाहते हैं तो इतने ई कॉमर्स सर्विसेज हैं, आप जाइए उनके उनसे कनेक्ट होइए, आप अपने घर पे होम स्टूडियो पे करिए या उनकी प्रोवाइडेड फैसिलिटी पे चाहे वहां करें। वेडिंग जो है एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट निकल कर के आया है, काफी उसमें कर रहे हैं। अगर आप इवेंट कर रहे हैं किसी भी तरीके का, अगर आप इवेंट कवर करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वेडिंग फोटोग्राफी आपके लिए है। आपको एक अच्छी टीम चाहिए उसको करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखा जाए आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, आज के टाइम में हर जगह पे देयर इज समथिंग और द अदर, दे आर बिल्डिंग, पीपल आर बिल्डिंग थिंग्स। ओके, वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ आई सी कंस्ट्रक्शन 24/7 हैपनिंग एंड दैट्स द केस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो ये वो पुराना फॉर्मेट नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर, अगर आर्किटेक्चरल इंजीनियर है तो आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए। नहीं, आजकल आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के लिए अच्छा एक फॉर्मेट है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उसके लिए लोग जो है उस वेडिंग पार्ट को अगर आप हटा दें तो लोग उससे पहले अपने आप को पब्लिसाइज भी करते हैं, वो दिखाते हैं कि क्या लोकेशन है। दैट इज नॉट वेडिंग फोटोग्राफी, दैट इज आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, दैट इज इंटीरियर फोटोग्राफी। सो देयर आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ बाइफर्केशंस व्हिच आर देयर। मेडिकल फोटोग्राफी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फील्ड विच आई डोंट नो इफ द स्कोप इज वेरी बिग, बट दैट स्कोप इज स्टिल देयर एंड दैट इज अ यूनिक स्कोप। जो लोगों को मैं जानता हूँ जो मेडिकल फोटोग्राफी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को काम करते हुए 15-15, 20-20 साल हो गए और उन्होंने यहाँ पे इंडिया में और बाहर के बेस्ट लोगों के साथ काम करा गया। हर किसी के लिए मैं मानता हूँ वो नहीं है फॉर्मेट, बट ये एक स्कोप है जो आप लोगों के लिए आगे है। ई कॉमर्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो है, जैसे कॉर्पोरेट फोटोग्राफी भी कहते हैं, आप उसको देखिए। आजकल जो है इट्स अ राइज ऑफ कॉर्पोरेट आफ्टर यू नो द राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग फ्रॉम होम and people would not be available for meetings or services and all that. So people would want, like this is what I feel right now, people would want that, you know, the services which they are providing to their customers or the meetings that they're going for, people should be able to see their employees in a very, like, you know, in a good light, you know, in a trustworthy or reliable, you know, like an image. And that image, you're going to create that kind of an image. So corporate photography, portrait, I'm sorry अगर मैं कुछ यहाँ पे मिस आउट कर रहा हूँ, बट ये ब्रॉडर फील्ड है आपकी। मैंने अभी तक इसमें ट्रैवल और आपका जो है नेचर फोटोग्राफी का तो नाम लिया ही नहीं। ये जो है मेरे ख्याल से, मैं खुद जो है ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहता था एक टाइम पे, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर आप कहें कि मुझे एक जिंदगी का मेरे को एक डायरेक्शन इस तरीके से मिला कि जिस वजह से मैं जो हूँ एक मोर ऑन अ कमर्शियल फोटोग्राफी फॉर्मेट में चला गया। मेरे काफी फ्रेंड है और मैंने खुद भी, हम लोगों ने जो ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी करी है, मैंने आजकल देखा एक न्यू फॉर्मेट शुरू हुआ है विच इज कॉल्ड मिनिएचर फोटोग्राफी विच इज कम्प्लीटली न्यू एंड इट्स रियली नाइस। लाइक आई हैवन्ट ट्राइड इट मायसेल्फ, बट दैट्स अ कम्प्लीटली अमेजिंग फॉर्मेट ऑफ फोटोग्राफी। और आप अपने घर में बैठ करके जो है मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, विच इज दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग मैजिक इन योर होम। निशलें सही बात आपने बोली, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है इसका, तो फोटो जर्नलिज्म, दोज़ हु वांट्स टू इस इंडस्ट्री में ना जाके आप हार्ड न्यूज में जा सकते हैं आप, क्योंकि एक आपको ही मालूम है कि फोटोग्राफ स्पीक अ थाउजेंड वर्ड्स। एक आपकी आप एक थाउजेंड वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखें या एक फोटोग्राफ खींच के दिखा दें तो एक ही बात है। यही एक दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। सो या प्लीज, हाँ सॉरी, मैं एक बस ये चीज कहना चाहता था कि मैंने एक बड़े फोटोग्राफर को देखा कहीं पे सुना, और उनको मैंने ये कहते हुए सुना कि लोग कहते हैं कि म्यूजिक जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता था कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आप किसी को एक जो रॉक म्यूजिक सुनने वाला है, शायद उसको अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनाए तो उसको ना पसंद है, और शास्त्रीय संगीत सुनने वाले को रॉक म्यूजिक सुनाए तो उसको ना पसंद है। लेकिन अगर आप एक माँ और बच्चे की फोटोग्राफ जो है आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और आप किसी को भी दिखाएंगे तो उनके अंदर वही इमोशंस जो है जागृत होंगे जो कहीं पे भी होंगे, जो खुद उन माँ और बच्चे में होंगे। तो फोटोग्राफी जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आई एम सॉरी मैं जर्नलिज्म का नाम भूल गया, विच इज एक्चुअली वन ऑफ
the very creative field, and people are doing amazing work right now. You know, people are actually going out and they are doing all these kind of, they're creating their own reports. They are going out and they are, you know, like they are, I won't say that, you know, they are actually going out and creating news, but they are actually going out and they are giving their own version of, you know, how what news is all about. तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि ऐसा ना सोचे कि अगर आपने जर्नलिज्म करा आपको बहुत बड़ी कंपनी के साथ ही काम करना है. खुद एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन करके भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिन्हें सिर्फ लोकली नहीं, नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज करता है. और आई एम श्योर लाइक आज के जमाने में बहुत लोग जानते ही होंगे ऐसे कई लोग. शलिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे साथ, नहीं तो आपकी बात करते करते मुझे नहीं लगता कि हम और भी लंबी लंबी बात कर सकते थे. शैलेंद्र खुद भूल गया था. देख कोई बात नहीं, शैलेंद्र जब भी इंडिया आते हैं, जो फोटोग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके साथ फैशन की वर्कशॉप लेते हैं. सो जो लोग भी भारतीय विद्याभवन से एक साल का डिप्लोमा इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वो लोग www.bbbfts.com पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं. एवरी सैटरडे उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है और इसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट पर है. अगर वो काउंसलर से मिलना चाहते हैं किस तरीके से शुरुआत करें, नंबर फ्लैश हो रहे हैं 8744005005 या 8745005005 पर कॉल करके फोटोग्राफी काउंसलर से बात कर सकते हैं किस तरीके से वो शुरुआत करें. शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अपना कीमती समय हमें दिया और मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं वहां पर और समय आपने निकाला. यही एक अच्छी बात भवन और भवन की टीचिंग में रही है कि जो भवन के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने भवन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. और एक खास बात, जो भवन से के जो स्टूडेंट होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. तो शैलेंद्र इनमें से एक नाम है जो हर किसी स्टूडेंट्स की मदद करने में आगे रहता है. सो आज इस वेबिनार में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे 3 बजे और कल का विषय है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें फिल्म और टेलीविजन आती है. ये बहुत ही बेहतरीन विषय है कल चर्चा के लिए. और कल हमारे साथ होंगे बहुत जाना पहचाना नाम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, एजुकेशन इंडस्ट्री का, रेडियो का, डॉक्टर अमरीश सक्सेना जो डीन है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी के. कल वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सभी विषयों पर बात करेंगे. आशा है कि आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा. कल उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द समय पर अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हमारे हैं उस पर आके कल के सेमिनार में हमारे साथ जुड़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. नमस्कार, थैंक यू सो मच.